ज़्यादा आपको पूरी लाइफ ब्रेक करता है, नो मैटर यू गेट ओवर इट और नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ एंड यू ग्रो एंड यू फॉल इन लव विद समबडी एल्स, बट जो पहला प्यार होता है ना, यू कांट गेट ओवर दैट, यू नो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट. तो दीप और आरोही का भी वही रिलेशनशिप है. आरोही का पहला प्यार वो होता है जिसको आप आँख बंद करके जिसको प्यार करते हैं, तो उस इंसान ने उसको धोखा दिया, सो शी कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट. बट जब वो वापस से क्लोज आते हैं, वो प्रॉक्सिमिटी आती है, आई थिंक कहीं ना कहीं अंदर के वापस से सब कुछ वो लड्डू फूटने लगते हैं एंड ऑल द लव कम्स बैक. वो कितना भी आप छुपाने की कोशिश करो, इट विल नॉट गो अवे. सो या तो क्या आप भरोसा करेंगी उन पे? नो no. आरोही अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकती है बिकॉज हर स्टेप पे उसको धोखे ही मिले हैं. तो वो बहुत अभी इमोशनलेस हो गई, शी हैज बिकम वेरी स्टोइक. तो उसको कोई इमोशन हर्ट नहीं करेगा, उसको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा. और जिसने वो वल्नरेबल हुई वापस, आई थिंक उसी दिन उसको वापस धोखा दिया जाएगा. सो आरोही हैज कम बैक एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड वेरी रिवेंजफुल. और दूसरी तरफ तारा इमेजिन कर रही है कि आपका और दीप का एक खुशहाल परिवार हो गया है जहाँ आपको बच्चा भी हो गया है, तो ये कैसे रियलिटी में कैसे टर्न होगा या नहीं? टर्न तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट तारा अगेन स्टैंड्स वेरी इनसिक्योर रिगार्ड यू नो दीप और आरोही को लेके. तो उसकी इमेजिनेशंस बहुत कहीं कहीं जाती हैं, नो शी हैज़ वेरी वाइल्ड इमेजिनेशन. सो उसमें ये भी अब वो देख रही है कि दीप और उसका आरोही का बच्चा है, सो ऑब्वियसली शी विल गो फ्यूरियस, शी विल गो मैड, शी विल गो बर्सर्क. तो पूरा अभी फिर ड्रामा उसका स्टार्ट हो जाएगा. तो क्या क्या सोचती है वो उसी की प्रॉब्लम है. थैंक यू. तो एक तरफ मतलब आपको पता चल गया है कि आरोही आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है? आपने तो जो सवाल पूछा उसी में जवाब है कि दीप को पता नहीं था कि वो बच्चा उसका है. जब उसे पता चला तो ऑब्वियसली वो बहुत इमोशनल है और उसको लगता है कि उसकी एक और जीने की वजह है वो बच्चा. और उसे अनफेयर भी लगता है कि आरोही को शायद बता देना चाहिए था. आई मीन कोई भी बाप चाहेगा कि यू नो अगर उसका बच्चा हो तो उसे पता हो इस बारे में. और इतने सारे खतरे आरोही अकेली जो झेल रही है, तो दीप को बुरा भी लग रहा है, साथ में गुस्सा भी आ रहा है, मिक्स्ड इमोशंस हैं उसके. और लेकिन अब वो कोशिश करेगा कि उसका ख्याल रखे और उसे सारी परेशानियों से दूर रखे. दूसरी तरफ तारा बहुत ही सीरियस हो रही है और उनके ख्यालों में भी आप लोगों का एक खुशहाल परिवार आ रहा है. तारा का जो पागलपन है वो वो अभी और भी बढ़ने वाला है, बिकॉज उसे लगेगा कि दीप अब मेरे हाथ से निकलता जा रहा है. और दीप ने आरोही को जो वादा किया कि वो हमेशा उसके बच्चे का ध्यान रखेगा, तो अब तारा के लिए एक नई मुसीबत है. तो अब देखते हैं कि तारा क्या नई मुश्किलें खड़ी करती हैं और दीप उसे कैसे सुलझाता है. वैसे तो आप बहुत ही खुश भी हैं, लेकिन उस जगह थोड़े डिफरेंट थॉट्स भी हैं आपके मन में. कौन से डिफरेंट थॉट्स? लाइक आप आरोही को बहुत टॉर्चरिंग टाइप भी कर रहे हैं कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था. इट्स नॉट टॉर्चरिंग, आई थिंक एक इमोशनल क्वोशेंट जो होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर की कि अब तक इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसे पता नहीं था. तो वो एक बर्स्ट आउट है उसके इमोशंस का कि आई विश यू हैड टोल्ड मी, कि शायद तुम मुझे बता दी तो शायद चीज़ें यू नो एक अलग रूप लेती. तो बट खैर इट्स नेवर टू लेट, अभी तक तो सब कुछ ठीक है. तो लेट्स होप कि आगे तारा कोई परेशानी ना क्रिएट करे और ना ही विराट. और एक बहुत ही स्पेशल सा मोमेंट हुआ आपके और आरोही के बीच में, उनको आँख पर लग जाता है हवे की वजह से पतले से, या आई थिंक इट वॉज अ वेरी, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा. काफ़ी दिनों से हम सीन्स कर रहे हैं जहाँ पर बहुत हाई इंटेंसिटी है, वी आर शी इज़ पुशिंग मी एंड आई एम होल्डिंग हर एंड फिजिकल इंटीमेसी इन टर्म्स ऑफ यू नो दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री, वेरी रॉ केमिस्ट्री देखने को मिली. लेकिन ये जो सीन था काफ़ी ठहराव वाला सीन था. और जब मैंने जब ये सीन पढ़ा तो मैंने खुद जाके डायरेक्टर को बोला कि यू नो ये सीन को हम थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं बाकी सीन से, इसे थोड़ा ठहराव के साथ देंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निकल गया है. और हमने इवन ही अग्री टू इट, इवन नीहा अग्री टू इट. तो आई जस्ट होप कि लोगों को भी वो सीन पसंद आए. थैंक यू.
लेकिन आरोही फिर भी आप इतना ट्राई कर रहे हो, आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है कि आप सच में। आई थिंक भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से नहीं होगा उसे, बट कोशिश करूँगा कि उसे भरोसा हो जाए। थैंक यू।